दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर VEO के लिए संविधान के 94 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है ये मार्च में होना संभावित है, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ये आगे भी बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से 3 से 4 वीडियो डेली मिल रहे होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग संविधान के कुल 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी, अंशत कठोर और अंशत लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। RRB ग्रुप डी 2003 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ए वी और सी, ये तीनों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 11वां क्वेश्चन, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना एवं संघात्मक भावना में एकात्मक। 13वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्योंकि? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। 17वां क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? संविधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या है? ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। 24वां क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। 25वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। किसमें निहित है? संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी कथन में क्या है? भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कर्णधार में अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। ऑप्शन सी से सही हो जाएगा, ए सही है, परंतु जो आर आपका है ये गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? कहाँ जन्म लिया? फ्रांस। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? किसने कहा है? जी ऑस्टिन। अगला देखिए क्वेश्चन 34वां है, इसमें कोड दिए गए हैं, यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन डी, ये वाला गलत हो जाएगा परंतु ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषी अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन बी, कनाडा। 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका। 10वां क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट 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 किस संविधान से लिया गया है?
इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। 17वां क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? आयरलैंड। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अवसैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन डी, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ये छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन सी, कनाडा। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिसंगिक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में भारत के संविधान के लक्षण, सूची सेकंड है किस देश से गृहीत। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए मिलान कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, मूल अधिकार, ठीक है। अब बात करते हैं यूके की, यूके का मिलान हो जाएगा शासन की संसदीय प्रणाली से। अब बात करते हैं जर्मनी की, जर्मनी का मिलान हो जाएगा आपात उपबंध से। अब बात करते हैं आयरलैंड की, आयरलैंड का मिलान हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तक। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? किस देश की देन है? ऑप्शन सी, जर्मनी के वीमर संविधान की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए, अमेरिका।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? किस भाग में कही गई है? भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संस्करण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन बी, भाग 9 का। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये दिया गया है भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 5 किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? किस भाग में की गई है ये कहा जा रहा है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इसमें उल्लेख है भाग 2 में। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे के कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, आपको करना कि आपको सबसे पहले सुमेलित करना है, सुमेलित करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।